किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में, और हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में तरह तरह के उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, और मुझे विश्वास है कि आपने कभी इस बारे में ना सोचा होगा और शायद ही कोई इस तरह से काम कर रहा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजामृत वगैरह बनाने के लिए हम लोग गाय का गोबर और उसमें तीन चार तरह के बेसन वेसन सब मिला के डालते हैं, तो जीवा अमृत बनाने का खाली एक यही तरीका नहीं है, जीवा अमृत बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम अलग अलग तरीके से जीवा अमृत बना सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, और जैसा कि हमने अभी फसल में रिस्पॉन्स भी देखा है, कि अगर हम जीवा अमृत भी एक ही तरह से बनाते हैं, खाली का गाय का गोबर लेते हैं, बेसन लेते हैं और उसमें जो न्यूट्रिशन आते हैं तो एक ही तरह का न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो जब एक ही तरह का जब न्यूट्रिशन मिल रहा है तो उसके बाद फ़र्क क्या पड़ता है, उसकी जो प्लांट होता है, प्लांट धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। कुछ तो वो ले लेगा जितना उसकी खुराक है, बाकी उतना अपटेक नहीं लेता है। एक ये सबसे बड़ा रीज़न देखा जा रहा है कि अगर हम एक ही चीज़ बारी बार कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो फसल में एक लिमिट तक ही बढ़ोतरी आती है, उसके बाद फसल में आपका यील्ड नहीं बढ़ता है, यानी कि फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं आएगी, फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं आएगी, और प्लांट में स्ट्रेंथ जो है एक लिमिट तक आएगी उससे ज़्यादा। ये अगर हम दूसरी तरह से देखें, जो हम डेली अगर हम आपको दाली खिलाएं या एक कोई तरह की एक ही तरह की सब्जी खिलाएं, तो आप खाते खाते जरूर खाएंगे, लेकिन उतना ही खाएंगे जितना भूख हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके अधिक नहीं खाएंगे। यानी अधिक भोजन के लिए आपको अलग अलग टेस्ट चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, तभी आपको उसको टेस्ट पड़ता है। तो यही सेम चीज़ हमारी प्लांट के ऊपर भी लागू होती है कि अगर हम एक ही तरह का मान लिए रोज दाल ही उसको खिला रहे हैं, तो वो दाल खाते खाते एक धीरे धीरे वो एक लिमिट तक आपको जो मान लिए 10 किलो दे रहा है फल, तो 10 ही किलो देगा, 10 किलो से 11 नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि हम, चाहे हम हो या प्लांट हो, सबको लिए अलग अलग तरह का भोजन दिया जाए। तो अलग अलग भोजन देने के लिए कैसे किया जाए, तो मतलब अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन लाए जाए, अलग अलग चाहिए कि आपको उनको दिया जाए। तो ये जो फार्मिंग सिस्टम है इसमें रिक्वायरमेंट कम है लेकिन रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा, जिसको हम अल्ट्रा फार्मिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो या आप देखेंगे कि जो अलग अलग जब तरीके से आप उसको जो न्यूट्रिशन देंगे तो उसमें जो फल आते हैं उसमें चेंजेस आएंगे, यील्ड में चेंजेस आएंगे, प्लांट की ग्रोथ में चेंजेस आएंगे। तो यही एक हम लोगों ने देखा कि अगर हम अलग अलग न्यूट्रिशन दे रहे हैं, इसीलिए हमने बताया कि बकरी की एड़ी ले रहे हैं आप, घोड़े की लीद ले रहे हैं, गाय है या भैंस है उसका अलग अलग जो हम गोबर पहले से यूज़ कर रहे हैं, या हमारे पास मुर्गी के जो पोल्ट्री मैन्योर है उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके अलावा हमने देखा मछली का जो वेस्ट है निकलता उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मीट का वेस्ट है उसका यूज़ कर रहे हैं, हड्डियों का वेस्ट है उसको भी लेके हम डिकम्पोजर है, जो सारा के सारा प्रिपरेशन डिकम्पोजर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि डिकम्पोजर के आने के बाद ये हर चीज़ जो है न्यूट्रिशन अंदर से बाहर आ जाता है। तो ये आपका एक फ़ायदा मिल रहा है, और इसी के रास्ते पर चलते हुए हम देख रहे हैं कि यील्ड में अलग परिवर्तन आ रहा है। जो सीड एक ही है, जो सीड पहले था वही सीड अब एक ही था, जो आप देखते हैं कि जो एग्रोनॉमिकल जो हम बोलते हैं साइकिल उसका एक ही है, कि मान ले हमारी क्रॉप है 120 दिन की तो 120 दिन में, लेकिन अगर हम उसमें न्यूट्रिशन चेंजेस करते हैं तो 120 दिन की जगह पर वो 110 हो जाता है, 90 भी हो जाता है, उससे 80 दिन भी हो जाता है। ये चेंजेस आएंगे जब आप अलग अलग न्यूट्रिशन देंगे। तो वही मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम जीवामृत भी अलग तरीके से बनाएं, उसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो आप बिल्कुल अलग तरह का आएगा, बिल्कुल आप देखेंगे, आप अपने आप खुद करके देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें 1% भी कम अगर आपको दिखाई दे तो आप बोलें, लेकिन उसको प्रयोग करके देखें आपको फर्क दिखाई देगा। जैसे हम गाय के गोबर से बनाते थे वो बनाते रहिए, उसके अलावा भी जो आपके पास वेस्ट हैं, अब जैसे हमारे वहाँ पास बकरी का वेस्ट है, बकरी का जो एड़ी निकल गई उससे कर सकते हैं, हॉर्स के उससे कर सकते हैं, कैमल का ले सकते हैं, सिप ले सकते हैं, आपके जो भी जानवर घर में है उसका वेस्ट आप लेके इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें हर एक के ऐसा मत आया, हर एक में न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप
नया जीवा अमृत कैसे बनाएंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी, आप कहीं भी टेस्ट करा लीजिए, किसी भी लैब में आप देखें, न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल अलग आएगी। उसमें जो बैक्टीरियल आएंगे, बैक्टीरियल कंपोजिशन अलग आएंगे, वो बैक्टीरियल कंपोजिशन आएंगे जो कि पहले कभी आपके नहीं आए। तो जब हम नए बैक्टीरिया आप डालेंगे अपने खेत में, तो उसका रिस्पॉन्स अलग आएगा। तो ये आप चीज़ें आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो हम लोग बनाते हैं, उसके बनाने के बाद कैसे आगे बढ़ना। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर बॉटल, आपको सबको मालूम है कि 20 रुपये की बॉटल है। इस 20 रुपये की बॉटल ने जो आपको खेती करने में जो सुविधा दी है, वो बिल्कुल सराहनीय है, अलग टाइप का है। और आपने इसी बॉटल से, मैंने पहले ही बोला कि एक बॉटल ही पूरे ज़िंदगी भर काफ़ी है, इसके बगैर खेती संभव नहीं है। अगर आपको खेती की कीमत कम करनी है, ज़मीन सुधारनी है, और अगर आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं, तो वेस्ट डिकम्पोजर की बॉटल बहुत ज़रूरी है। वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन बनाना ज़रूरी है। अब आपने जैसे हमने बना रखा है वेस्ट डिकम्पोजर से, इसी से हमने सोल्यूशन बना रखा है। देखिए, ये हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन बना हुआ है। बनाने के बाद हमने इसमें 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन इसमें लिया गया है। अब ये 100 लीटर जो वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया गया है, इसमें हम कैसे इसको जीवामृत बनाएंगे नए तरीके से, वो आपको दिखाना चाहते हैं। इसके लिए सामान क्या हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन के पहले से ही गुड़ अंदर रखा हुआ, इसके अंदर गुड़ पड़ा हुआ, इसलिए हमें गुड़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या लेंगे, कोई भी, देखिए ये हमने ले लिया, ये हमारी बकरी की ड्रॉप्स है, जिसको हम एड़ी बोलते हैं, या बकरी का वेस्ट बोल सकते हैं, ये हमने ले लिया। तो इसको 5 kg हम ये लेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि इसको पोटली बना लेते थे, तो हम ये पोटली भी बना के इसको रखेंगे। अब इसी के अंदर हमने ये ले लिया, एक ये हमारी दाल है, कोई भी दाल ले सकते हैं इसमें, चाहे चने का बेसन ले, चाहे आप इसके साथ मूंग का दाल ले लें, चाहे अरहर की दाल ले लें, चाहे मसूर की दाल ले लें, कोई भी एक दाल को पीस लीजिए पाउडर को। ये 2 kg हमने लिया है, इसको पाउडर बना दिया गया है। अब इसी तरह से एक हमने ये ले लिया, दूसरा हम ऑयल सीड लेंगे। अब ऑयल सीड में आप ध्यान रखिए, कोई भी ऑयल सीड ले सकते हैं, चाहे ये आपका सोयाबीन हो, चाहे आपका सीसम हो, ये हमने जो लिया है, चाहे मूंगफली हो, या आपके पास जो भी ऑयल सीड हो, ये हमारा सरसों का जो है सीड है, उसको हमने पीसा हुआ, लेकिन आपके पास जो सुविधा हो वही लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो आप ये 2 तरह के अलग अलग लेंगे। तो आप एक ऑयल सीड ले लिया हमने, दूसरा हमने ले लिया कोई भी दाल। तो ये दाल जो है प्रोटीन का काम करती है, इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, ये काम करते हैं। तो इनसे मिला के हम जो है आपका जीवामृत बनाने जा रहे हैं। और जीवामृत जो बनेगा, उसको आप देखेंगे 10 दिन के बाद, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप चाहे टेस्ट कर लें, बैक्टीरिया लोड उसके अंदर देखना चाहते हैं पर एमएल देख लें, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बिल्कुल अद्भुत आएगा। तो उसके लिए मैंने बताया, जैसे हमने हमको ये बकरी के आपके ड्रॉप मिल गई, आसानी से आप ले, इसके लिए आप घोड़े का भी आप वेस्ट ले सकते हैं, कैमल का भी वेस्ट ले सकते हैं, आपके पास जो वेस्ट हो जानवर का, और उस वेस्ट को आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जानवर का वेस्ट नहीं मिलता है, तो आप फसलों का भी वेस्ट ले सकते हैं। फसलों का कई तरह के पत्तियां लेके आप उसको ग्राइंड करिए, जैसे हमारी सहजन की पत्ती है उसको ग्राइंड कर सकते हैं, इसी तरह से हमारे जो पत्तियां जिसकी वैल्यू है उसको ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, जिससे ग्रोथ हमको मिलता है। तो ये आप ले सकते हैं, तो इसका एक वेस्ट लें। तो इससे हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाने जा रहे हैं। तो इसको हमने क्या किया, सिंपल एक पोटली के अंदर बांध दिया, ताकि क्योंकि इसके अंदर जो हम बनाएंगे, तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर ना रहे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक जो पोटली बना ली, ये देखिए पोटली हमने बना रखी है, ये इसके अंदर हमारा यही जो बकरी की एड़ी है, इसके अंदर पड़ी हुई है, पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं, फिर दोबारा इसको लेके इसको अंदर हम सीधा डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ये डाल दिया गया। अब इसी तरह से दूसरा कपड़ा लेंगे, अब इस दूसरे कपड़े के अंदर भी हम एक पोटली बनाएंगे, जिसमें कि हमारा ये 2 तरह के दाल और ये मिलाया जाएगा। तो इसके अंदर हम साथ में कैसे मिलाएंगे, वो आपको दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, हमने जो बकरी की एड़ी थी वो डाल दी, अब इसके अंदर हमने जो दिखाया था आपका पाउडर, ये हमारा पल्स का पाउडर है, उसको ले लिया 2 kg, और 2 kg इसके अंदर हमने इस सरसों है उसका
जो पाउडर बनाया था 2 किलो ही ले लिया। अब इन दोनों को मिला के हम इसको बांध देंगे, एक पोटली बना देंगे। पोटली इसलिए बना रहे हैं ताकि इसके अंदर का मटेरियल अंदर ही रहे और बाहर इसका फेकल मटेरियल ना आए, खाली न्यूट्रिशन ही आए। इसको अच्छे से बांध देंगे। तो पोटली आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं, पोटली इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर जब आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से इसका मटेरियल उसके अंदर जाके आपका नोजल ना फंसे। एक ये बात है, वैसे जो वेस्ट डिकम्पोजिशन सॉल्यूशन जो यूज़ करते हैं तो नोजल वैसे भी क्लियर रहती है, लेकिन और इसको अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि इसको बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये हमने एक पोटली बना ली। पोटली बना के इसके अंदर हम डाल देंगे और जब हम इसको, ये 10 दिन के बाद हमारा पूरा का पूरा जीवामृत तैयार हो जाएगा और इसको जो हम आप यूज़ करने का तरीका, जैसे आप बाकी जीवामृत यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ करें। पानी के साथ इरिगेशन से कर सकते हैं, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, ये आपको जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ करना है। और आप चेंजेस क्या देखेंगे कि जब ये जीवामृत यूज़ करेंगे तो उसका क्रॉस पर रिस्पॉन्स अलग आएगा। अब इसी तरह से आप दूसरा जीवामृत बनाएंगे, उसके लिए बनाने क्या गया, ये दाल हम चेंज कर देंगे। जो दाल हमने ली है और जो हमने इसके अंदर ऑयल सीड लिया है, इसको बदल देंगे। तो ये खाली बदल देंगे और जो हमारे पास ये तीसरा जो हमारा ये वेस्ट मिला है बकरी का, इसके बकरी ना मिल लेके हम कोई दूसरा ले लेंगे, चाहे घोड़े का ले लें, चाहे आप जितने भी वेस्ट हैं सिप का है वो ले लेंगे, तो वो लेके हम वेस्ट इसको डाल देंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं मिलता है तो हम प्रसमट भी ले सकते हैं, प्रसमट वाला वेस्ट जो है तो उसको भी लेके इसमें 5 किलो बना के भर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। या और कोई वेस्ट हो जो आपके पास, इसके अलावा भी वेस्ट जो आते हैं हमारे, समझ लीजिए जो मेडिसिनल की फैक्ट्रीज होती हैं जो उसमें लीव्स निकालते हैं उसका वेस्ट होता है, वो भी वेस्ट हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी सोर्स का वेस्ट लेके आप जो बनाएंगे तो ये जो जीवामृत बनेगा ये बिल्कुल अलग बनेगा। लेकिन आप हर बार अलग अलग लेके बनाइए, एक फसल में एक ही टाइप का जो है, आप जो चला आ रहा है हमारा ट्रेडिशन कि खाली ये डालो ये डालो, ये नहीं है। अब जिसमें हमने इसमें ना केला डाला है, ना हमने इसमें दूध डाला है, ना दही डाला, वो सब वेस्टेज है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूध दही जो भी डाल रहे हैं इसमें वेस्ट डिकम्पोजर सारे वो बैक्टीरिया हैं, इसलिए उनका कोई यूज़ नहीं है। आप उसको डाल के देखें और उसके बगैर डाल के देखें, देखें आपको डिफरेंस मालूम होगा, क्योंकि कॉस्टली जो पैसा ज़्यादा लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लगाते हैं लगाइए, वरना वो वेस्टेज है। आपको जो रिजल्ट इससे मिलेगा वही रिजल्ट आप लगा के देखेंगे, दूध दही डालेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, केला वाला कोई फ़ायदा नहीं। हाँ ये जरूर है कि जो वेस्ट आपके पास केले पड़े हैं, या वेस्ट आपके पास अंगूर पड़ा, या वेस्ट आपके पास कोई कीनू पड़ा, या वेस्ट आपके पास कोई भी फल पड़ा है, तो उसको 5 किलो वेस्ट लेके इसमें डाल सकते हैं, ऐसे पोटली बना के डाल दीजिए, वो काम करेगा। लेकिन जो वेस्ट आपके पास नहीं है वो खरीद के ना डालें, आप कोई भी चीज़ बिना खरीद के इसमें यूज़ करें। तो आप ये पोटली जो बनाई इसको हम इसमें डालने जा रहे हैं। इसको हम लोग 10 दिन के लिए छोड़ देंगे, 10 दिन के बाद ये आपका रेडी हो जाएगा, इसको फिर हम यूज़ करेंगे।